नमस्कार, बिग ब्लॉगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीते दिन एक न एक वीडियो वायरल होते रहता है। दोस्तों, अभी अंबानी परिवार का जो शादी समारोह चल रहा है तो बहुत ही खुशी का माहौल है, लेकिन उसी में आज मैं आपको एक बात बता दूं कि दोस्तों, आज अंशुमान सिंह जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए, कर्नल अंशुमान सिंह हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कुछ करके चले गए। अक्सर उनकी बीवी अभी कहती हैं कि अक्सर वो कहा करते थे कि हम देश के लिए कुछ ऐसा करके जाएंगे कि पूरी दुनिया हमें याद रखेगी। दोस्तों, आज मैं बता दूं अंशुमान सिंह के लिए कि उनकी बीवी अभी कहती हैं कि वो हमें हर टाइम जब हमसे मिलते थे, जब हमें टाइम देते थे, तो एक चीज़ हमें बहुत खूब कहते थे कि हम देश के लिए एक दिन ऐसा कर जाएंगे कि पूरी दुनिया हमें याद करेगी। दोस्तों, उन्होंने सही कहा था, क्योंकि आज पूरी दुनिया उन्हें याद करती है और दिल से सलूट करती है। अंशुमान सिंह भारत माँ के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, और एक चीज़ बहुत खूब कह गए हैं और करके भी गए हैं। अंशुमान सिंह ने देश के लिए जब बंकर में आग लगी तो पूरा जी जान लगाकर बंदे को बाहर निकालने के प्रयास किए, सैनिकों को बाहर निकालने के प्रयास किए और निकाले भी, और खुद उसमें झुलस कर जल गए। शॉर्ट सर्किट के कारण बंकर में आग लग गई, आतंकवादी के हमलों के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे आग लग गई, और उसमें हमारे देश के कई ऐसे जवान शहीद हो गए, और उन्होंने बहुत ऐसे कोशिश किए उनको निकालने के लिए और निकाले भी, लेकिन देश के लिए मतलब और सैनिक के लिए अपना प्राण योगदान दे दिए। ऐसा वीर कभी नहीं मिलेगा हमको। बहुत ऐसे वीर मिले हैं, बहुत ऐसे वीर शहीद हुए हैं, लेकिन ये अजीब का हो गया कि लोग अपना जान बचाते हैं, लेकिन फौज में ऐसा नहीं होता दोस्त। फौज में सब फैमिली और परिवार आपका बटालियन का बंदा ही होता है, जो आपके साथ है, जो आपके भाई हैं और जो आपके साथी हैं, वही आपके वहाँ पे साथ है। तो फौज का एक सबसे बड़ी रूल है, जान जाए पर वचन न जाए। जो हम वचन देते हैं कि हम जब तक जिएंगे हमारे साथ जो भी बटालियन का बंदा उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, उसी प्रकार अंशुमान सिंह ने भी अपना कर्तव्य निभाया और देश के लिए शहीद हो गए। दोस्तों, बता दें कि अंशुमान सिंह एक ऐसे सिपाही हैं और जो ऐसे व्यक्ति थे, कर्नल थे जिन्होंने देश के लिए कुछ खास कर गए। तो दोस्तों, ये हैं हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हमारे कर्नल साहब का है, और कहीं ना कहीं हमें गर्व करनी चाहिए कि हमारे देश के जो योद्धा शहीद होते हैं तो उनके लिए एक लाइक तो बनता है। आप उन्हें याद कीजिए, जब भी आप तिरंगा लहराते हैं तो उस तिरंगे में उनको याद कीजिए।